हेलो गाइस एंड बेसेस, मैं सूरज कुमार और आज मैं आप लोग को बताऊंगा आने वाली 20 ऐसी फिल्में जो कंफर्म रिकॉर्ड तोड़ेगी और रिकॉर्ड बनाएगी और इंडियन सिनेमा को बहुत आगे लेके जाएगी। एंड इनमें से बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल फिल्म भी है जो डेफिनेटली ऑडियंस को हिला के रख देगी। तो आइए शुरू करते हैं। सो नंबर वन पे एस एस राजामौली की फिल्म है जिसका नाम है ट्रिपल आर, स्टारिंग अजय देवगन, रामचरण जूनियर, एनटीआर एंड आलिया भट्ट। अब देखो इसमें आपको तेलुगु स्टार भी देखने मिलेंगे एंड बॉलीवुड स्टार भी देखने मिलेंगे एंड ये इंडिया की बिगेस्ट फिल्म है जिसका बजट 400 करोड़ है एंड ये पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिससे लोगों को बाहुबली इतने एक्सपेक्टेशन है कि यार मतलब बहुत ही ज्यादा उम्मीद है इस फिल्म से। एंड सोचो इसका बजट 400 करोड़ है, ऐसा लगता है साला 2-3 करोड़ तो इसके एंड क्रेडिट में भी खर्चा किया रहेगा। उसके बाद नंबर दो पे बॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है 83। ये एक बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है कबीर खान की, जहां पर कपिल देव का रोल प्ले करे रणवीर सिंह। एंड देखो ये फिल्म की इंटरेस्टिंग बात यह कि रणवीर सिंह ने पूरी जान लगा दी इस फिल्म को एंड ये फिल्म गारंटेड रिकॉर्ड तो बनाएगी प्लस अवार्ड भी मार के लेके जाएगा रणवीर सिंह आराम से। उसके बाद नंबर थ्री पे जो बॉलीवुड की फिल्म है उस फिल्म का नाम है ब्रह्मास्त्र। ये 3 पार्ट में बन रही है जिसका पहला पार्ट आने वाला है एंड ये एक सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है एंड इसका बजट 300 करोड़ है। अब देखो इस फिल्म का लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं लेकिन इस फिल्म के बाद से तो रणबीर कपूर आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं, मतलब फिल्म तो रिलीज होती रहेगी लेकिन आशिकी डिले नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही मान लो। उसके बाद नंबर फोर पे बॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है सूर्यवंशी, स्टारिंग अक्षय कुमार, अजय देवगन एंड रणवीर सिंह। अब देखो इस फिल्म के पोस्टर पे एक लाइन लिखी आ रही है पुलिस। अरे भाई पुलिस भी कंटाल गए रहेंगे कि हम, वो भी बोल देंगे कि हम जा रहे हैं भाई, क्योंकि ये फिल्म कब से ही आ रही है। हालांकि ये अक्षय कुमार की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म है एंड इस फिल्म का इंतजार तो हालांकि सभी को है। उसके बाद नंबर 5 पे कन्नड़ा फिल्म है जिसका नाम है विक्रांत रोना। ये एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म है, वो भी किच्चा सुदीप की एंड आप लोग को मालूम है इसका प्रोमो फीचर हुआ था बुर्ज खलीफा पे। एंड ये मानो कि बहुत ही बड़ी फिल्म है जिसके वजह से कन्नड़ा इंडस्ट्री भी बूस्ट हो जाएगी एंड इंडियन सिनेमा में भी कुछ नया देखने को मौका मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे है प्रभास की फिल्म जिसका नाम है अधिपुरुष। अब ये माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है जो कि बेस्ड रामायण पे एंड इस फिल्म का बजट है 500 करोड़। अब ये फिल्म को वही डायरेक्ट कर रहे जिन्होंने तानाजी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड आप लोग को तो मालूम है कि तानाजी इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी एंड सोचो वो ये फिल्म बना रहे प्रभास को लेके, सैफ अली खान को लेके। पक्का बोल रहा हूं इस फिल्म को देखकर आप बोल दोगे जय श्री राम, थिएटर में चिल्ला उठोगे आप लोग। उसके बाद नंबर 7 पे फिल्म है लाइगर, स्टारिंग विजय देवरकोंडा एंड अनन्या एनाकोंडा, सॉरी अनन्या पांडे। अब ये पूरी जगन्नाथ की बहुत ही बड़ी फिल्म है एंड ये एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। ये मानो मोस्ट वेटेड पैन इंडिया फिल्म है क्योंकि विजय देवरकोंडा के फैंस यहाँ नॉर्थ में तो बाप रे बाप घायल है पब्लिक उनको देखने के लिए। उसके बाद नंबर 8 पर है मलयालम फिल्म जिसका नाम है मरक्कर, स्टारिंग मोहनलाल। अब ये हिस्टोरिकल वॉर फिल्म है एंड ये इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म है एंड हालांकि ये ईद पे ही आने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन इस फिल्म का इंतजार सभी को है क्योंकि बहुत ही तूफानी चीज देखने मिलेगा इस फिल्म में। उसके बाद नंबर 9 पर है तमिल फिल्म जिसका नाम है वालिमाई, स्टारिंग थाला अजीत। अब इस फिल्म की मैं क्या बात करूं यार, सोचो दिस फिल्म इज द मोस्ट इंटरेस्टेड फिल्म ऑन बुक माय शो जिसका अब तक टीजर ट्रेलर नहीं है। ये एक ऐसे एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लिए थाला अजीत के फैंस लोगों ने तो एकदम नारा लगा दिया है कि हमें इस फिल्म का अपडेट चाहिए ही चाहिए। हालांकि जब ये फिल्म आएगी रिकॉर्ड तो ऐसे टूटेगी कि मानो सबके सब हिल जाएंगे एंड शॉक रह जाएंगे। उसके बाद नंबर 10 पे जो फिल्म है वो एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है कोबरा, स्टारिंग विक्रम। अब देखो ये एक हाइस्ट थ्रिलर फिल्म है जिसमें विक्रम के 5 से 6 लुक देखने मिलेंगे आपको एंड सोचो ये फिल्म कितनी अनोखी हो सकती है क्योंकि सबको मालूम है कि विक्रम कितने डेडिकेटेड एक्टर है एंड कितने टैलेंटेड एक्टर है एंड उनको देखना एक अलग ही स्पेशल सा लगता है सबको। उसके बाद नंबर 11 पे जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है इमोर्टल अश्वत्थामा। अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे आदित्य धर जिन्होंने उरी जैसी फिल्म बनाई थी एंड इस फिल्म में विक्की कौशल। अब ये फिल्म है एक फ्यूचरिस्टिक साइफाई बेस्ड फिल्म जो कि एकदम अनोखी लग रही है एंड ऑडियंस को एक अनोखा कंटेंट देखने मिल जाएगा, ये तो गारंटी है। उसके बाद नंबर 12 पे जो बॉलीवुड की फिल्म है उस फिल्म का नाम है पृथ्वीराज, स्टारिंग अक्षय कुमार। अब ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि बेस्ड है पृथ्वीराज चौहान जी पे एंड अक्षय कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड मोस्ट अवेटेड फिल्म है ये बॉलीवुड की। उसके बाद नंबर 13 पे है प्रभास की फिल्म जिसका नाम है सलार, जिसको डायरेक्ट कर रहे केजीएफ के डायरेक्टर जिनका नाम है प्रशांत नील। अब ये देखो एक बहुत बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म है
जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि सबको देखना है कि केजीएफ के डायरेक्टर इस बार क्या नया दिखाते हैं एंड प्रभास इस बार क्या नया रूप लाते हैं। अब देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि इट्स नॉट अ रीमेक ऑफ उग्राम, सो प्लीज अलग गणित ना लगाए। उसके बाद नंबर 14 पे तमिल फिल्म जिसका नाम है विक्रम, स्टारिंग कमल हसन जी, विजय सेतुपति एंड फहद फाजिल, एंड इसको डायरेक्ट करे मास्टर के डायरेक्टर लोकेश कनगराज। अब मैं लोकेश कनगराज के एक चीज का दाद देता हूं, उनके फिल्म के कास्ट इतने स्पेशल रहते हैं एंड यहां पर वो एक्टिंग के तीन लेजेंड को साथ मिला दिए, कमल हसन, विजय सेतुपति एंड फहद फाजिल तीनों को साथ मिलाए, मतलब इस बार कंटेंट प्लस एक्टिंग दोनों पावर पैक देखने मिलेगा। उसके बाद नंबर 15 पे जो फिल्म है उस फिल्म का उसके बाद नंबर 15 पे जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है पठान, स्टारिंग शाहरुख खान, एंड ये शाहरुख खान का कमबैक फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रहे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर जैसे धमाकेदार फिल्म बनाई थी, एंड यहां पर तो वो एक्शन के सारे हदे पार कर दे रहे, एंड शाहरुख खान के सामने रख रहे जॉन अब्राहम विद सलमान खान कैमियो, तो सोचो ये फिल्म देखने को क्या मजा आएगा यार। उसके बाद नंबर 16 पे जो फिल्म है वो है संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म जिसका नाम है एनिमल, स्टारिंग रणबीर कपूर। अब देखो ये बहुत ही पावर पैक्ड अनोखा प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखो इस फिल्म के लिए संदीप रेड्डी वंगा ने खुद ही बोल दिया कि मैं अब तुमको दिखाऊंगा कि असली एक्शन क्या होता है, असली वायलेंस क्या होता है, मतलब ये एकदम अतरंगी और घायल कर देने वाले प्रोजेक्ट है। उसके बाद नंबर 17 पे जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है बीस्ट, स्टारिंग तलपति विजय। अब इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूं यार, ये फिल्म जब भी आएगी सेलिब्रेशन तो हो ही जाएगा। उसके बाद नंबर 18 पे बॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम है फाइटर, स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट एरियल एक्शन फिल्म जिसका फ्रेंचाइजी रहेगा, एंड मार्क माय वर्ड ये फिल्म गारंटेड हॉलीवुड को सीधा तमाचा देगा, क्योंकि इतनी क्लास लेवल पे ये फिल्म बनने वाली है। उसके बाद नंबर 19 पे फिल्म है जिस फिल्म का नाम है केजीएफ चैप्टर 2। दिस इज इंडियाज मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसने कन्नड़ा सिनेमा हिला दिया एंड इंडियन सिनेमा को अलग ही पहचान दिला दिया, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, एंड इस फिल्म के बारे में मैं क्या कहूँ यार, पागल हो जाता हूँ नाम सुन के, पागल। उसके बाद नंबर 20 पे जो फिल्म है द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ऑफ इंडिया, पुष्पा, स्टारिंग अल्लू अर्जुन एंड फहद फाजिल। अब ये फिल्म भी दो पार्ट में बन रही है, मतलब पहले बाहुबली, फिर केजीएफ, अब पुष्पा। साउथ इंडस्ट्री पूरी आग लगा देगी, देखना फिर आप बोलोगे कि यार ऐसे ही चलते रहे यार, तुम लाते जाओ दो पार्ट में और कयामत मचाते जाओ, एंड वैसे ही देखने मिलेगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन इस बार आ रहे नए अवतार में, एंड इस फिल्म का क्रेज हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि आप अभी रिलीज कर दो या रात को 2 बजे भी रिलीज कर दोगे तो भी हम थिएटर में पहुंच जाएंगे देखने के लिए। सो ये रहा मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जो कि आने वाली है, एंड ऊपर से इनमें से कोई भी रिमेक्स नहीं है, समझ रहे आप लोग। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल। अरे तेरी तो